एक गांव में रामचंद्र नाम का एक आदमी रहता था। उसका काम गुप्त धन को खोजना था। हमेशा ही वो ऐसी चीजों की खोज में रहता था जो छुपी हुई हो, कीमती हो और खूबसूरत हो। इसी गांव में एक आनंद नाम का लड़का रहता था। यह लड़का अक्सर अकेले ही रहता था। आनंद हर दिन समुद्र के किनारे बैठने जाता। रोज के तरह आज भी आनंद समुद्र किनारे किताब लेकर बैठा हुआ था। इतने में रामचंद्र अपने दोस्तों के साथ आता है। अरे ये रहा मैजिकल फिश, जल्दी पकड़ो इसे, चलो पकड़ो। सब मिलकर उस मैजिकल फिश को पकड़ लेता है और उसे किनारे पर लाता है। लेकिन अचानक से वो मैजिकल फिश उछल जाती है और आनंद के पास जा गिरती है। आनंद उस मछली को देखकर काफी खुश हो जाता है और उसे घर ले जाकर पानी में रख देता है। आनंद हर दिन उससे खेलता रहता। एक दिन की बात है, एक दिन स्कूल से लौटकर आनंद मछली से कुछ ही दूर पर बैठकर कुछ सोच रहा था। बहुत देर तक उसे देखने के बाद मैजिकल फिश बोलती है, आनंद तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें कोई चिंता है? क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं एक जादुई मछली हूँ। अब बताओ तुम क्या सोच रहे थे? आज मेरे टीचर ने मुझे डांटा क्योंकि मैं होमवर्क नहीं बना के गया था। हर दिन मार भी खाता हूँ, मुझे पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते भी हैं। बस इतनी सी बात से परेशान हो? आज से तुम पढ़ाई में सबसे तेज रहोगे और अपना होमवर्क भी सबसे पहले ही खत्म कर लोगे। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ हो सकती है। मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति प्रदान करती हूँ और इससे तुम अपने क्लास में सबसे तेज हो जाओगे। और अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो पता है क्या होता है? टीचर आनंद से पूछती है, होमवर्क पूरा हुआ या नहीं? सब कुछ पढ़ कर के आए हो क्या? मैंने होमवर्क भी किया है और मैं सब कुछ पढ़ कर भी आया हूँ। आनंद की बात को सुनकर उसके टीचर को भी उस पर भरोसा नहीं होता है। इसीलिए वह आनंद से ढेर सारे सवाल पूछने लगती है, पर आनंद भी सभी सवाल का जवाब देता है। यह देखकर उसके अध्यापक और दोस्त सभी हैरान रह जाते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद आनंद अपने घर आ जाता है, पर आज आनंद बहुत खुश था। अरे मेरे दोस्त, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सारी होमवर्क पूरी कर ली और पता है स्कूल में आज टीचर मुझसे सवाल पूछ रहे थे तो मैं सारे सवाल के सही सही जवाब दिया हूँ। मेरे सारे दोस्त और टीचर हैरान थे। क्या तुम मेरी एक और विश पूरी कर सकती हो? कौन सी विश बताओ तो। हम दोनों मिलकर समुद्र की गहराई में खेलें तो क्या ऐसा हो सकता है? आओ चलो समुद्र में चलते हैं। और मैजिकल फिश आनंद को लेकर समुद्र में चली गई और उसने समुद्र के अंदर की खूबसूरत दुनिया आनंद को दिखाई। दोनों ने अंदर खूब खेला, खूब मस्ती की। मैजिकल फिश समुद्र में काफी खुश लग रही थी, वो भी आनंद के साथ खूब आनंद ले रही थी। जब आनंद ने यह देखा कि मैजिकल फिश समुद्र में काफी प्रसन्न है तो उसे एहसास हुआ कि मैजिकल फिश का यही घर है, वो यही खुश रह सकती है। लेकिन जैसे ही उसने उस मैजिकल फिश को छोड़ने की बात सोची, उसी समय रामचंद्र आ जाता है। अरे ये देखो मैजिकल फिश, पकड़ लो इसे, इसे इस बार किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। यह मेरी दोस्त है, यहाँ से चले जाओ, इससे मिलने की सोचना भी नहीं। अब तुम इसका शिकार नहीं कर सकते, जाओ यहाँ से। अगली बार यहाँ आओगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चलो जाओ यहाँ से।
रामचंद्र आनंद की बात को नहीं मानता है। अब आनंद और मैजिकल फिश दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो रामचंद्र को सबक सिखा कर रहेंगे। वो दोनों मिलकर नाव में तोड़फोड़ कर देते हैं। अचानक से नाव में तोड़फोड़ देखकर रामचंद्र काफी डर जाता है। अरे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं डूबा जा रहा हूँ, अरे कोई तो बचाओ। रामचंद्र को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। गलती का एहसास होने पर मैजिकल फिश और आनंद उसे किनारे पर छोड़ देते हैं। उसके बाद आनंद अपने दोस्त मैजिकल फिश से कहता है, ठीक है मेरे दोस्त, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, आप अपने समुद्र में ही जाओ, वही तुम्हारा असली घर है। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती? मुझे वहाँ नहीं जाना है। नहीं मित्र, तुम समुद्र में रहने वाली जीव हो, यही तुम्हारा असली घर है, तुम यही खुश रह सकती हो। ठीक है, अब तुम जाओ, और जब कभी भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो मुझे आवाज जरूर देना, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद आनंद और उसके दोस्त एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। जादुई ब्रश। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। गांव में एक गरीब कलाकार रहता था जिसका नाम था रामू। रामू हर रोज चित्र बेचने बाजार जाया करता था, लेकिन मुनाफा काफी कम कमा पाता था। उन्हीं पैसे से उन्हें जीवन भी चलाना पड़ता था। एक दिन की बात है, वह उदास होकर घर लौटने लगा। उसी समय उसे तालाब में तैरते हुए एक ब्रश दिखाई पड़ी। उसे देखते ही उसने सोचा कि इससे तो वो काफी अच्छा चित्र बना सकता है। उसने यह ब्रश को यही सोचकर उठा लिया और खुशी खुशी घर जाने लगा। और वह घर पहुंचते ही उस ब्रश से चित्र बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने एक सेब का चित्र बनाया और वह सेब तुरंत से उछलकर बाहर आ गया। फिर रामू ने एक आम का चित्र बनाया और फिर बहुत सारे आम जीवित होकर उछल पड़े। फिर रामू ने उसी तरह एक सोने के सिक्के बनाए और एक के जगह बहुत सारे सोने के सिक्के उससे बाहर आने लगे। इस तरह रामू धनवान होने लगा। यह देखकर पड़ोसियों को यह सब काफी अजीब लगने लगा। रामू के धनवान होने के पीछे कुछ तो राज है। इसी राज का पता लगाने के लिए एक पड़ोसी घर के बाहर खिड़की से ही अंदर झांकने लगा और इस बात का पता लगा लिया। रात के समय जब रामू सो चुका था, तब वह धीरे से घर के अंदर घुसा और उसने उस ब्रश को चुरा लिया और अपने घर चला गया। अपने घर जाते ही वह उस ब्रश से एक लकड़ी का चित्र बनाता है। वह लकड़ी तुरंत ही बाहर आ जाता है। उस पड़ोसी को अपने आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है और फिर वह डंडा उस पड़ोसी को जोर जोर से पीटने लगता है। तब जाकर अगले दिन वह पड़ोसी उस जादुई ब्रश को रामू को वापस कर देता है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कि हमें कभी भी लालच में आकर कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। अच्छी लगी कहानी? एक बार की बात है, एक गांव में एक आइसक्रीम बेचने वाला था। वह बहुत ही गरीब था और आइसक्रीम बेचकर किसी तरह से अपना गुजारा किया करता था। वह मेहनत तो काफी करता था, लेकिन मुनाफा काफी कम कमा पाता था। कम मुनाफा होने की वजह से वह काफी दुखी होता। एक दिन की बात है, वह गांव के एक बहुत ही ज्ञानी साधु के पास जाता है और अपनी परेशानियों को उनके सामने व्यक्त करता है। उसकी हालत को देखकर उस साधु को उस पर दया आ जाती है और उसकी आइसक्रीम ट्रॉली को जादुई बना देती है। उस आइसक्रीम ट्रॉली की यह खासियत थी कि वह अपने आप ही आइसक्रीम बना लेती थी और उसमें कभी भी आइसक्रीम खत्म ही नहीं होती थी। वह उस आइसक्रीम को बेचकर
खूब रुपए कमाने लगा। मगर ज्यादा रुपए हो जाने के कारण वह थोड़ा लालची और घमंडी होने लगा। उसके मन में और भी ज्यादा पैसे कमाने की लालच आ गई और उस लालच की वजह से वह उस ट्रॉली को तोड़ देता है और वह सोचता है कि वह इस ट्रॉली की सभी आइसक्रीम को एक बार में ही बेचकर बहुत ही जल्दी अमीर बन जाएगा। मगर ट्रॉली को तोड़ने के पश्चात उस ट्रॉली का जादू खत्म हो जाती है और वह आइसक्रीम ट्रॉली भी बेकार हो जाती है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और काफी पछताता है। लेकिन कहते हैं ना, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ तो दोस्तों, अगर आप इस ज्ञानवर्धक और रोचक किड्स बुक को सस्ते मूल्यों में अपने बच्चों के लिए खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर आसानी से खरीद सकते हैं। धन्यवाद।